नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के। दुबई सरकार ने हालांकि ये घोषणा पहले कर दी थी 5 साल का वीजा। जी हाँ, सीधी सीधी भाषा में बोले भाई 5 साल का वीजा। एक बार वीजा लिया 5 साल तक झंझट खत्म, एक बार वीजा लिया 10 साल तक झंझट खत्म। उसको बोला था गोल्डन वीजा, इसको आप सिल्वर वीजा बोल सकते हैं। 5 साल तक ये वीजा वैलिड होने वाला है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इस वीजा के बारे में कि ये वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीजा से क्या आपको फायदे होने वाले हैं, इस वीज़ा से क्या आप जॉब कर सकते हैं, इस वीज़ा से क्या आपको नुकसान होने वाले हैं, इस वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, इस वीज़ा के चार्जेस कितने लगेंगे, किस तरह से ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, भाई डिटेल से हम बात करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ख़ासतौर से ये सभी के लिए अलाउ कर दिया गया इस वीज़ा को, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन दी गई हैं, वो कंडीशनों को फॉलो करना होगा, उसी के हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यूएस सरकार ने हालांकि घोषणा 5-6 महीने पहले ही कर दी थी 5 ईयर्स वीजा के लिए, लेकिन ये अभी एक्सपो 2020 है भाई, इसको देखते हुए इसको जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी ये आप किसी ऑफिस में किसी एजेंट के द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ऑनलाइन रखा गया है। अब ऑनलाइन आप किस तरह से ले सकते हैं, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो अलग वेबसाइट, आपको पता है GDR ऑफिस से आपको अप्रूवल लेना होता है। दुबई के अलावा जिनके 6 स्टेट और हैं, जिसमें आबू धाबी, शारजा, अजमान, अलक्वीन, रासल अल खेमा, फुजेरा, जी हाँ, यहाँ 6 स्टेटों में अगर आप जाने के लिए वीजा लेना चाहते हैं तो भाई आपको ICA की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जी हाँ, हालांकि इस वीजा से देखिए, अगर 5 साल का वीजा मिल जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप 5 साल है तो 5 साल आप रह सकते हैं, 6 महीने, 4 महीने, कितने भी रह सकते हैं। 1 साल में इस वीज़ा को वैलिडिटी 5 साल रहेगी, लेकिन 1 साल में आप मात्र 90 दिन इस वीज़ा से दुबई में रह सकते हैं। आ जा कितनी भी बार सकते हैं, 1 महीने में 3 बार जा सकते हैं, 6 बार जा सकते हैं, 5 बार आ सकते हैं, कितनी भी मर्जी आप आ जा सकते हैं, लेकिन दिन आपके 90 होने चाहिए पूरे। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है कि आप दुबई में हैं, आपको कुछ काम है, इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने और, तो आप उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। यानी 1 साल में आप 180 दिन तक वहाँ पर रुक सकते हैं 6 महीने तक। जी हाँ, वो आपकी फाइल वहाँ पर अप्रूव हो जाती है कि चलो 3 महीने एक्सटेंड कर दिया जाता है तो आप रुक सकते हैं। अप्रूव अगर कैंसिल हो जाता है तो 1 साल में 90 दिन आप वहाँ पर रुक सकते हैं। आ जा आप कितनी भी, ये नहीं कि एक बार गए वापस नहीं जा सकते, कितनी भी बार आ जा सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये इस वीज़ा का बेनिफिट भाई सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है, जो बिजनेसमैन आदमी है जिसको महीने में 2 चक्कर लगाने हैं तो हर बार वीज़ा लेना पड़ता था उनको, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। किसी को 5 दिन के लिए जाना है वापस आ गए, फिर 10 दिन के लिए जाना है वापस आ गए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जो बिजनेसमैन है, किसी भी प्रकार की मीटिंग अटेंड करने के लिए जानते हैं, उनके लिए ठीक है ये। जी, अप्रूवल के बारे में मैंने बता दिया। दुबई के लिए GDRFE की जो वेबसाइट है, लिंक मैं कोशिश करके वीडियो के नीचे डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा जो वेबसाइट दी गई है उसको आप पूरा फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो 6 स्टेट हैं उनको वो ICA से आप अपलोड इसको जो है फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी इसका अप्लाई कर सकता है भाई, लेकिन इसको अप्रूवल मिलेगा, ये नहीं कि आपने फॉर्म भरते ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो डॉक्यूमेंटली देखा जाएगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। वीज़ा फीस की बात करें तो भाई वीज़ा फीस बहुत कम है, ज़्यादा नहीं रखी है। हालांकि लोग बता रहे थे यार 3 महीने वाले के 15,000 हैं, तो फिर ये 5 साल वाले का तो पता नहीं कितना पैसा होगा, लेकिन मात्र 650, जी हाँ 650 दिरहम, आप इसको कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। लो 12-13 हज़ार का वीज़ा पड़ने वाला है, तो 12-13 हज़ार तो भाई 3 महीने का लेते हो तो भी उसके 16-17 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो 650 दिरहम का ये वीज़ा है। अब इसका प्रोसेस क्या है वीज़ा लेने का, 5 स्टेप है भाई। 5 स्टेप में आपको क्या क्या करना है वो आप देख सकते हैं। पहला स्टेप में तो भाई आपका नाम, पूरा पता, आपके एड्रेस पूरा जो भी है वो आपको पूरा डालना होगा आपके पासपोर्ट के हिसाब से। जी हाँ, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह फर्स्ट स्टेप में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आप UAE का एड्रेस भी मांगा गया है भाई, UAE में आप कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, वो भी आपको उसमें एड्रेस पता डालना पड़ेगा। इंडिया में जैसे आप हैं तो आपका पासपोर्ट के हिसाब से जो भी एड्रेस है वो आपको उसमें पूरा टाइप करना पड़ेगा। जी हाँ, अन्य कोई जानकारी आवेदन से रिलेटेड उसमें है वो भी आपको पूरी अपलोड करनी पड़ेगी उसमें। जी हाँ, 2 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। 2 स्टॉप में आपको क्या आएगा, एक तो 6 महीने तक पुरानी आपकी कलर फोटो आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस आपका इंटरनेशनल इंश्योरेंस आईडी इंश्योरेंस बना हुआ होना चाहिए, वो भी भाई अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, और मेन बात पता है भाई क्या है आपको इसमें, कि आपके पास कम से कम 4,000 USD के बराबर आपके पास आपके बैंक में स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। $4,000 का समझ लो भाई, लगभग 2 लाख के करीब होता है, अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी लगानी होगी 6 महीने तक की पुरानी है वो मान्य हो जाएगी। जी हाँ,
तीन नंबर पे बात करें तो एप्लीकेशन आपको चेक करना है कि भाई आपके जो भी आपने जानकारी डाली है वो सही है क्या, उसके बाद आपको फीस पे करनी होगी। चार नंबर पे फीस का ऑप्शन आएगा तो आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन कैश से भी आप अपनी फीस 650 दराम है वो उसमें काट सकते हैं। जी हाँ, पाँच नंबर पे भाई आपका वीज़ा आपके ईमेल आईडी जो इसमें मांगी जाएगी उस पे आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट चेक करके उस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब इसकी बात कर लेते हैं ये वीज़ा कब से स्टार्ट होगा। तो भाई ये वीज़ा स्टार्ट होगा जिस दिन आपको जैसे वीज़ा आज मिला है, एंट्री आप 15 दिन 20 दिन बाद कर रहे हो, तो जिस दिन आप एयरपोर्ट में आपकी एंट्री हो गई, मोहर लग गई, उसी दिन से उस वीज़ा की वैलिडिटी अगले 5 साल तक रहने वाली है। जी हाँ, उसी दिन से आपके 90 दिन से लेकर 180 दिन तक आप एक्सटेंड करके रह सकते हैं। बाकी 1 साल का मैंने बता दिया आपको, ये आपका प्रोसेस होने वाला है। जी, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट और मांगे गए हैं, कितनी फीस है, उससे रिलेटेड भी हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या नुकसान है भाई, देखिए नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान देखिए, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते इस वीज़ा में। आप ये नहीं कि 5 साल का वीज़ा तो वहाँ जाके आप 6 महीने जॉब कर लोगे, जॉब नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपना मीटिंग अटेंड करना, घूमना फिरना, वो आप ऊपर जो काम है सोशल से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। हाँ, ये वीज़ा लेके आपको लगता है कि इस वीज़ा को हम कन्वर्ट करवा लें, जैसे आप इस वीज़ा को लेके चले गए, उसके बाद आप किसी कंपनी में जॉब लग गए, तो आपका वो वीज़ा लग गया वर्क परमिट वीज़ा, तो ये वीज़ा फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये वीज़ा मान्य नहीं होगा। वीज़ा एक ही रहना है, चाहे वो ले लो चाहे ये ले लो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीज़ा से आप जॉब नहीं कर पाओगे, सिर्फ ये एंट्री के लिए है, समझ गए होंगे आपको। अब नुकसान क्या है भाई, अब नुकसान की बात करें तो हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाए भी होंगे, लेकिन देखिए एक इंश्योरेंस का चक्कर डाला इसमें कि आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए भाई। जब वीज़ा, देखिए ये सब डॉक्यूमेंट आप डाल दोगे तो वीज़ा आपका वेरीफाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जब ये फाइनली नहीं है तो भाई इंश्योरेंस कैसे मांग ली फिर आपको सरकार ने, भी सरकार ने इंश्योरेंस मांगा। इंश्योरेंस तो तब मांगी जाती है ना कि भाई ठीक है वीज़ा हम आपको 100% दे देंगे, आप इंश्योरेंस डाल दीजिए। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाई है, वीज़ा आपका कैंसिल हो गया, तो इंश्योरेंस के पैसे लग गए आपके, और 650 रुपये जो फीस है वो भी नॉट रिफंडेबल है भाई। जैसे USA का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, तो पैसे नहीं मिलते फीस के, आपको पता होना चाहिए। आपको एजेंटों को देते हैं, वीज़ा कैंसिल हो जाता है उनके, आप डंडा दे देते हो, लेकिन डायरेक्ट सरकार से वीज़ा ले रहे हो, किसके डंडा दोगे। वीज़ा रिजेक्ट होता है, फीस वापस नहीं मिलने वाली, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, अब इसमें और डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए आपके पास में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई आपको, रिसिप्ट ऑफ बैंक ग्रेजुटी रिफंड, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सर्ड पासपोर्ट, यानी आपको कौन रिस्पॉन्सर्ड कर रहा है, ये भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। सैलरी सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। PRO कार्ड, डिग्लेट लेटर, जी हाँ ये भी इसमें मांगा गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मांगा गया है। रिस्पॉन्सर पर्सनल फोटो, जी आगे नंबर बात करें भाई, 7 नंबर पे बता दूं, इसमें रक्त संबंधी यानी आपका मदर फादर का वो भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको डालने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सर पासपोर्ट, आपको कौन रिस्पॉन्सर कर रहा है वो भी साथ में मांगा गया है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें मांगा गया है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी है। इस्टेब्लिशमेंट कार्ड, ये भी आपसे मांगा गया है। ये डॉक्यूमेंट हैं, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे भाई। ये आगे आप देख सकते हैं इतनी फीस है, इस तरह से ये फीस लगेगी। जी हाँ, इनसाइड द कंट्री फीस 650 रुपये है। सर्विस फीस 50 AD है। वारंटी फीस 1000 है। वारंटी सर्विस फीस 20 AD है, 20 AD। हेल्थ इंश्योरेंस 90 AD है। अर्जेंट सर्विस फीस 100 AD है। एप्लीकेशन फीस 100 AD है। इश्यून फीस, भाई ये कौन सी फीस आ गई पता नहीं। तो कहने का मतलब है साथियों, मैंने आपको बता दिया ये वीज़ा के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार ले लोगे तो 5 साल तक फ्री हैं, लेकिन ये वीज़ा उन लोगों के लिए ज़्यादातर काम आता है कि भाई जो बिज़नेस से रिलेटेड आना जाना करते हैं। बाकी आम आदमी की ये काम का वीज़ा नहीं है, आपके लिए तो 3 महीने का वीज़ा ही सही है। बस अपडेट यही थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।